दोस्तों, क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जो क्रॉस लेग बैठकर घंटों तक टीवी देखता है? क्या आप ऑफिस या स्कूल में लंबे समय तक क्रॉस लेग पोजीशन में बैठकर काम या पढ़ाई करते हैं? क्या आप बस या कार में सफर करते समय क्रॉस लेग बैठे रहते हैं? या तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हो कुछ इस पोजिशन में बैठ के, जिसको कहते हैं यूरोपियन सिटिंग स्टाइल या क्रॉस लेग सिटिंग पोजिशन। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप ऐसा करना छोड़ देंगे, क्योंकि साइंस की माने तो ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन में लंबे समय तक बैठना आपको महंगा पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों एक इंसान औसतन दिन में 7 घंटे 42 मिनट तक बैठा रहता है। या तो बैठ के काम कर रहा होता है, या बैठ के खाना खा रहा होता है, या बैठ के टीवी देख रहा होता है, या बैठ के सफ़र कर रहा होता है। जहाँ बैठना अपने आप में शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे पुअर डाइजेशन, पुअर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो कि अपने आप में ही कई बीमारियों का कारण बन सकती है। यहाँ क्रॉस लेग बैठना दोस्तों आपके लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। आइए एक एक करके समझते हैं कि क्रॉस लेग बैठने से आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बैठे रहते हो वो भी क्रॉस लेग्ड, और आप अचानक से उठते हो तो आपके घुटनों में एक तेज दर्द भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं ये दर्द क्यों होता है। जब आप लंबे समय तक बैठते हो तो आपके घुटनों में बहता हुआ एक फ्लूइड, जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं, वो आपके नी पे एक्यूमुलेट होता रहता है, जिसके वजह से आपको स्वेलिंग और पेन भी हो सकती है। और इतना ही नहीं, आपके शिन बोन और आपके थाई बोन के बीच में एक कुशन होता है, जिसको हम लोग मिनिस्कस कहते हैं, और ये आपके लंबे समय तक बैठने के कारण जो आपके घुटनों में रोटेशन होता है उससे ये टियर अप हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शिन बोन और थाई बोन के बीच में जो कुशन होता है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बाद में चलने फिरने में कठिनाई हो सकती है और आप हमेशा के लिए व्हील चेयर के मोहताज भी बन सकते हैं। दोस्तों कई बार होता है जब आप अचानक बहुत देर तक बैठे रहते हो क्रॉस लेग पोजीशन में और आप उठते हो तो आपका पैर कुछ सो सा जाता है, करेक्ट? मेरे पैर में एक नंबनेस आ गई, मैं चल नहीं पा रहा था, करेक्ट? तो दोस्तों यही होता है कुछ जब आप क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठे रहते हो लंबे समय तक। दोस्तों दूसरी समस्या आती है आपके पिनोनियल नर्व पैरालिसिस की। जी हाँ, जब आप बहुत समय तक बैठे रहते हो तो आपकी नी के पीछे एक फिबुलर नर्व होती है, जिसको हम लोग पेरोनियल नर्व कहते हैं। ये नर्व एक्चुअली लंबे समय तक बैठने से डैमेज हो सकती है। जी हाँ, अगर ये डैमेज हो गई तो आपको अपने फुट को एंकल से उठाने में काफ़ी दिक्कत होगी। दोस्तों पेरोनियल नर्व पैरालिसिस में आप अपने फुट को ऐसे नहीं कर पाओगे, जैसा आप देख पा रहे हो मैं अपने एंकल को ट्विस्ट कर रहा हूँ, या अपने फुट को एंकल की मदद से ऊपर नीचे कर रहा हूँ। पेरोनियल नर्व पैरालिसिस में आप ऐसा नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप पेरोनियल नर्व पैरालिसिस का शिकार ना बने तो लंबे समय तक क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना छोड़ दें। दोस्तों हमारे ग्लूट्स या बटक से ओरिजिनेट करके हमारे लोअर बॉडी में एक नर्व जाती है, जिसे हम साइटिक नर्व भी कहते हैं। लंबे समय तक क्रॉस लेग बैठने से साइटिक नर्व्स में एक रेडिएटिंग पेन आ सकती है, जो लोअर बैक से लेके हमारे पैरों तक फैल सकती है। इस पेन को हम साइटिका पेन भी कहते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के रहन सहन को प्रभावित भी करती है। यह धीरे धीरे आपके टांगों को कमज़ोर बना देती है और आपकी पाचन क्रिया को भी इफ़ेक्ट करती है। दोस्तों एक्सट्रीम केसेस में आपको यहाँ सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों लंबे समय तक क्रॉस लेग बैठने से आपके स्पाइन में धीरे धीरे मिसअलाइनमेंट आने लगती है। दोस्तों स्पाइन के इस मिसअलाइनमेंट को हम लोग स्कोलियोसिस भी कहते हैं, जिसमें स्पाइन हल्का सा टेढ़ा हो जाता है। आपके स्पाइन का कर्वेचर साइडवेज होने लगता है, जिससे हमारे शरीर का पोस्चर बिगड़ने लगता है।
दोस्तों क्या आपको बोल्ट जो कि फास्टेस्ट रनर कहलाए जाते हैं उन्हें भी स्कोलियोसिस है? आपके पेल्विस की सब ऑप्टिमल रोटेशन की वजह से आपके लोअर बैक में एक्यूट पेन डेवलप हो जाती है। इतना ही नहीं, मिस अलाइंड स्पाइन की वजह से आपका बॉडी वेट आपके अगेंस्ट काम करने लगता है, आपको इम्बैलेंस करने लगता है। आपके बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए आपका मसल्स निरंतर काम करता है, जिससे स्टिफनेस और थकावट हर वक्त महसूस होने लगती है। दोस्तों शायद आपको सुन के ताज्जुब होगा कि लंबे समय तक क्रॉस लेग बैठने से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। मेडिकल रिसर्च में यह देखा गया है कि क्रॉस लेग बैठने से आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 8.1 mm ऑफ HG और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 4.5 mm ऑफ HG से स्पाइक कर जाता है। दोस्तों ये कार्डियोवास्कुलर रिस्क के चांसेस को बढ़ा सकता है और हार्ट अटैक को आमंत्रित कर सकता है। जाहिर सी बात है, जब हम क्रॉस लेग बैठते हैं तो हमारे पैर, जो कि हमारे शरीर के बहुत बड़े अंग होते हैं, उनमें जो ब्लड सप्लाई होता है वो बाधित हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को और मेहनत करनी पड़ती है ताकि उनमें ब्लड सप्लाई को ऑप्टिमल पोजीशन पे पहुंचाया जा सके। दोस्तों ऐसा करने से हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और जिसके वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा क्रॉस लेग बैठने से पहले दो बार सोचेंगे। देखिए, कुछ समय तक बैठना ठीक है, कुछ समय तक बैठने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर लंबे समय तक बैठना हानिकारक है। हमारे शरीर को हमेशा एक चेंज चाहिए होता है, राइट? आवर बॉडी ऑलवेज वेलकम्स अ चेंज। तो एक पोजिशन में बैठने से आपके शरीर को बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे बीमारियों को ये न्योता दे सकता है। तो कोशिश कीजिए किसी भी एक पोजीशन पे आप लंबे समय तक ना बैठे, आप अपने पोजीशन को बराबर चेंज करते रहें। इनफैक्ट बैठना ही बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं माना जाता है। आप हर 15 मिनट आधे घंटे पे उठ के कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, एक छोटा सा वॉक लेके आइए। और अगर आपको क्रॉस लेग बैठना ही है तो आप जमीन पे बैठिए, और वो भी एक छोटे से कुशन के ऊपर बैठिए। मैं आपको दिखाता हूं कि जमीन पे बैठने का क्रॉस लेग सही तरीका क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये सही तरीका है जमीन पे पालथी मार के बैठने का। आप देख पा रहे हो कि मैंने एक कुशन रखा है जो मेरे बैक को स्ट्रेट रखता है। हालांकि आप बिना कुशन के भी बैठ सकते हो, बट नॉर्मली बॉडी के लिए कुशन के साथ बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो जब भी आप कभी खाना खाने बैठते हो तो ज़मीन पर ज़रूर बैठ के खाएँ, और एक हल्का सा कुशन आप अपने बैक के नीचे रखें ताकि आपको बैठने में आसानी हो। तो दोस्तों इसके साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।